नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। चीन में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए चीन में लोगों के लिए कई पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है और लोग अब घूमने फिरने भी जाने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी देश न्यूजीलैंड ने अपने देश में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर रोक लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और न्यूजीलैंड के पीएम जेसेंडा ऑर्डन ने इसकी जानकारी दी। कोरोना वायरस की वजह से नुकसान झेल रहे उद्योगों को दक्षिण कोरियाई सरकार ने $38 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने इसकी घोषणा की। फ्रांस में लॉकडाउन के तीसरे दिन भी राजधानी पेरिस की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बीते 24 घंटों में फ्रांस में कोरोना वायरस के 89 और लोगों की जान चली गई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा 264 तक जा पहुंचा। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाशिंगटन स्थित एक फुटबॉल ग्राउंड में 200 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां पर केवल कोरोना पीड़ितों का इलाज किया जाएगा। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला लास वेगास में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी कैसीनो को बंद कर दिया गया है। लास वेगास कैसीनो के लिए मशहूर है। बीती रात से ही गैम्बलिंग पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के कारण गुआजू फॉल्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटकों से हर वक्त गुलजार रहने वाले इस फॉल्स पर एक शख्स भी नजर नहीं आ रहा है। इराक की राजधानी बगदाद की सड़कों पर भी सन्नाटा है। यहां पिछले एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इराक में कोरोना वायरस से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। जापान में कोरोना वायरस फैलाने की धमकी देने वाले शख्स की मौत हो गई। जापान के गामागी शहर में ये व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया था। और कोरोना वायरस से बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए चीन की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां स्मार्ट कार डिसइंफेक्ट कर बना रही हैं। इनमें वुहान के कई ड्राइवरलेस कारों में टेस्ट किया गया है। पाकिस्तान के नेता अक्सर अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। एक तरफ जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हाथ ना मिलाने और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की सलाह दे चुका है, इस बीच पाक राष्ट्रपति चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इन दोनों तस्वीरों पर गौर फरमाइए। इन तस्वीरों में आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं। पहली तस्वीर में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उन्हें चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। एक तरफ जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है, चीन और पाकिस्तान खुद भी इस महामारी का सामना कर रहे हैं और खतरनाक बीमारी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हाथ न मिलाने और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। ऐसे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अपने चीन दौरे के दौरान दोनों नेताओं से हाथ मिलाकर खुद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी हो रही है, जबकि कुछ ही दिन पहले पूरी दुनिया के दिग्गज हाथ मिलाने से बचते नजर आए और अभिवादन के लिए नमस्ते को अपनाते नजर आए। चाहे बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और तो और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और ब्रिटिश टीवी एंकर फ्लोइला बेंजामिन ने नमस्ते कर एक दूसरे को अभिवादन किया था। ऐसे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के हाथ मिलाने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। जब पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, वही नमस्ते जिसका आह्वान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले किया था, तो पाकिस्तान और चीन को भी इससे सबक जरूर लेना चाहिए। चीन में कोरोना वायरस का तांडव होने के बाद अलवी ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने चीन की आधिकारिक यात्रा की है। वैसे अलवी की भी ये पहली चीन यात्रा थी। चीन के साथ नजदीकी दिखाने के लिए वो इतना उत्साहित हो गए कि उन्होंने शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के दहशत के बीच हम चीन से आ रही एक अच्छी खबर के बारे में आपको बता दें। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ गया है, वहीं चीन के वुहान में इस वायरस का प्रकोप लगभग खत्म हो चुका है और इस कामयाबी के पीछे जिनका हाथ है उनका ना सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया कर रही है सराहना। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें उसी चीन की हैं जहां कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस ने
जमकर कहर बरपाया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इस हालात को बदलने में जिनका हाथ है उनकी तस्वीरें आप चीन के अलग अलग शहरों में देख सकते हैं। खूबसूरत एलईडी लाइट्स के बीच उन लोगों की तस्वीरों को सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें उन डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मियों की हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को बचाया। जब पूरा वुहान दर्द से कराह रहा था तो इन लोगों ने अपनी चिंता किए बिना पीड़ितों की जिंदगी बचाने में कोई कोताही नहीं बरती, और जब वहाँ हालात पूरी तरह काबू में है तो ये मेडिकल कर्मी अपने घरों को लौट रहे हैं। तो चीन के अलग अलग शहरों में उनके स्वागत के लिए कुछ इस तरह तैयारियां की गई। बीते दिनों चीन के स्वास्थ्य आयोग ने बताया था कि 350 मेडिकल टीमों और 42,600 से अधिक चिकित्सा कर्मियों को हुबेई प्रांत में इलाज के लिए भेजा गया था, जो अब अपने घरों को लौट रहे हैं और अपने इस शानदार स्वागत से बेहद खुश हैं। चीन का दावा है कि उसने पिछले एक हफ्ते में अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में गिरावट आई है। दुनिया के 165 देशों में कोरोना वायरस का असर फैल गया है। अब तक इस वायरस की वजह से दुनिया भर में करीब 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन में इस वायरस की वजह से करीब 3,300 लोगों की जान गई। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच भी जिंदगियां मुस्कुरा रही हैं। घरों में कैद लोग अपनी खिड़कियों से एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से खौफजदा है, लोग इस वायरस को लेकर चिंतित हैं, ऐसे में ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग देशों की हैं, लेकिन ये तस्वीरें एक ही संदेश दे रही हैं, मुश्किल के समय एक साथ चलने का संदेश। सबसे पहले आप ब्राजील की इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए जो रियो डी जेनेरियो से आई है। यहाँ लाइटिंग शो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, लेकिन जीसस पूरी दुनिया के साथ हैं। इस दौरान प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। तो वहीं ब्राजील में ही संकट के दौरान घरों में फंसे लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करने के लिए अपनी अपनी खिड़कियों से कुछ इस तरह से एकजुटता का संदेश दिया। तो वहीं डेनमार्क से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ भी घरों में बंद लोग अपनी अपनी खिड़कियों से कुछ ऐसा ही संदेश देते नजर आए। पेरू की राजधानी लीमा में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और यहाँ भी लोग रात में अपनी अपनी खिड़कियों से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। कोरोना वायरस से मुश्किल में फंसे जापान में भी लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं है। भले ही लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं, फिर भी वो अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक डांस टीचर कैसे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कोरोना वायरस के खौफ के बीच भी जिंदगी मुस्कुरा रही है। आज तक ब्यूरो। जापानी ओलंपिक मंत्री सेइको हाशिमोतो एथेंस में ओलंपिक फ्लेम हैंडओवर समारोह में शामिल नहीं हो पाई और इसके लिए उन्होंने अफसोस भी जताया है, लेकिन वो अब भी इस बात का दावा कर रही हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन रद्द नहीं होगा और खेलों का ये महाकुंभ अपने तय वक्त पर ही आयोजित किया जाएगा। इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन जापानी ओलंपिक मंत्री सेइको हाशिमोतो एथेंस के ओलंपिक फ्लेम हैंडओवर समारोह में शामिल नहीं होने से एक बार फिर से ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर अटकलें लगने लगी थीं, जिस पर जापान के ओलंपिक मंत्री ने खुद ही सफाई दी है। भले ही कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ हो, 165 से ज्यादा देश इसकी चपेट में हैं और लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, इसके बावजूद जापान का बार बार ये कहना है कि ओलंपिक खेल अपने तय वक्त पर होंगे।
चीन में कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर चेंगदू के पांडा रिसर्च सेंटर से आई है। सेंटर में पहली बार जुड़वा ब्रीड पांडा का जन्म हुआ और ये जुड़वा बच्चे डॉक्टरों की देखरेख में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पांडा के जन्म के बाद से ही रिसर्च सेंटर में खुशी का माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। रिसर्च सेंटर ने बताया है कि 17 साल की मादा पांडा फुआ ने अब तक 8 बच्चों को जन्म दिया है। चीन के सेंट्रल टेलीविजन चैनल ने इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है। चीन में कोरोना वायरस की खबरों के बीच लोगों को ये खबर सुकून दे रही है। अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर मौजूद ग्वाजू फॉल्स की खूबसूरती इन दिनों चरम पर है, लेकिन इस खूबसूरती को निहारने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं है, जहां अक्सर लोगों की भारी भीड़ हुआ करती है। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ बना हुआ है और इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की लगभग सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग पर्यटन स्थलों पर जाने से बच रहे हैं और जिसकी वजह से ऐतिहासिक ग्वाजू फॉल्स पर भी सन्नाटा है। अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर मौजूद ग्वाजू नदी के 275 झरनों के समूह का नाम ग्वाजू फॉल्स है। ये मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा झरना बनाते हैं।